बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का वो पेपर शेयर करूंगा जिसमें से बहुत सारा पेपर आप लोगों का लाजमी तौर पर पूछा जाएगा। हो सकता है तमाम बोर्ड्स के अंदर इसका 80 से 90% आ जाए, हो सकता है कुछ बोर्ड के अंदर 50 से 60% आए, लेकिन हर बोर्ड के अंदर ये पेपर लाजमी आएगा। इसी तरह जो मैंने इंग्लिश का पेपर दिया था वो भी कुछ बोर्ड के अंदर 20 नंबर का आया, कुछ बोर्ड के अंदर 15 नंबर का आया, कुछ बोर्ड के अंदर 40 नंबर का आया। तो इस पेपर को आपने लाजमी तौर पर देख लेना है। इस पेपर के अंदर आपको मैं वो बताऊँगा, आपको सवालात, लॉन्ग सवालात, शॉर्ट सवालात, और आपका प्रोग्राम कौन सा पेपर के अंदर आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपके साथ शेयर करूँगा। सो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चले कि हमारा पेपर किस हिसाब से आना है और पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। सो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का ये आप लोगों का पेपर है। इसी तरीके से टाइम आप लोगों को दिया जाता है 15 मिनट MCQs के लिए, और ये 15 मिनट हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये MCQs हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में से पूछते हैं और MS Access में से। अ प्राइमरी की डेटा कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड, ठीक है। इस की का आपने नाम बताना है। इन 2NF विच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड, आपने इसके आंसर जो है वो आप लोगों ने देख लेने हैं। अगर नहीं मिलते तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा, आई विल ट्राई कि आप लोगों के इनके टिक करके जो है वो ग्रुप वगैरह के अंदर फॉरवर्ड कर दें। द डाटा इन टेबल्स इज एंटर्ड इन डेटा शीट व्यू, लेआउट व्यू, डिजाइन व्यू, नॉर्मल व्यू। MS Access सेव डेटाबेस फाइल विद एक्सटेंशन, ठीक है, .mef.msd.md.mbd.md। इन एन ER डायग्राम रेक्टेंगल शेप इज यूज फॉर एंटिटी रिलेशनशिप की। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन अ प्रॉपर सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके MCQs सारे, ठीक है। इसी तरह सी लैंग्वेज के दिए हुए हैं और साथ साथ जब आप लोगों के विजुअल बेसिक के हैं। सो आपने सी लैंग्वेज वाला पोर्शन आई थिंक चूज़ किया होगा, जिन बच्चों ने मोस्टली सी लैंग्वेज ही होता है उनका। विच इज़ नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर, इनमें से लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है वो आप लोगों ने बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल नेम, इसमें से इनवैलिड वेरिएबल नेम कौन सा है वो आप लोगों ने शेयर करना है। इसी तरीके से ग्लोबल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड, इन ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पर क्रिएट होते हैं। द सिलेक्शन स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज क्या है, चूजन स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट दैट टर्मिनेट्स लूप अर्ली, कौन सी स्टेटमेंट होती है, टर्मिनेट या ब्रेक आएगा, ठीक है। इन दोनों में से आप लोग इनको देख लीजिएगा आंसर जिनके। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू राइट अ स्ट्रिंग टू अ फाइल, ठीक है। अगर आपने स्ट्रिंग एंटर करनी है तो आप लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। कोशिश करेंगे इनको वीडियो देख कर ही टिक करने की ताकि आपको पता चल जाए, आइडिया हो जाए कि हमारे पेपर कितना आता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट फंक्शन, इनमें से इनपुट फंक्शन जो है वो कौन सा नहीं है, ठीक है। GetCHE या GetCH या scanf, ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। इनमें से आउटपुट इनपुट फंक्शन नहीं है कोई। इसी तरीके से अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, ये सही है, इसका करेक्ट आंसर है। द ट्रांसलेटिव प्रोग्राम इन टू मशीन कोड, ठीक है, मशीन कोड के अंदर जो ट्रांसलेट हो जाता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, या सोर्स कोड, इनमें से एक आना है। आप लोग कोशिश कीजिएगा इनको देख लीजिएगा, बाकी अगर आपको इनके आंसर्स नहीं मिलते हैं मैं आप लोगों के साथ जो है इनके आंसर भी कोशिश करूँगा शेयर कर दूँ। सो आगे चलते हैं हम लोग, आपका जो पेपर है शोर सवालात हैं और इसके साथ साथ जो है वो आप लोगों के लिए थ्योरम और न्यूमेरिक आप लोगों का प्रोग्राम है कि प्रोग्राम आपसे कौन सा पेपर में पूछा जा सकता है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, 60 नंबर का ये पेपर होगा आपका, इतना टाइम मिलेगा। पहले डब्बे में 6 सवाल जो है आप लोगों ने आंसर करने हैं, तकरीबन 9 सवाल पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, डिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज फील्ड, डिफाइन प्राइमरी की, व्हाट इज कार्डिनलिटी, हाउ एंटिटी इंटीग्रिटी इज अचीव्ड इन द टेबल, लिस्ट डाउन ऑल डेटाबेस ऑब्जेक्ट, नेम द 2 टेबल्स फील अवेलेबल इन MS Access, डिफाइन द पर्पस ऑफ क्राइटेरिया इन क्वेरीज। इस तरह डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट। तो भाई ये आप लोगों का MCQ छोटे सवालात का पहला डब्बा है। तो जैसे आप लोग हमारे चैनल पर आते हैं, आते हैं चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आइएगा वीडियोस के अंदर। जैसे आप वीडियोस के अंदर आएंगे यहाँ पर आप लोगों को तकरीबन आपकी पेपर्स के हवाले से सारी वीडियोस दिख जाएंगी। कोशिश कीजिएगा उन वीडियोस को देख लें, इंशाल्लाह ताला जिन बच्चों ने वो वीडियोस देख ली उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। सो लाजमी तौर पर आपने वो वीडियोस देख लेनी है। और इसी तरीके से अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली आप लोग जो है जो अभी वीडियो देख रहे हैं सो यहाँ से लाइक कर सकते हैं, लाजमी तौर पर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रही और वीडियोज जो है ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच जाए। सो मूव टू फॉरवर्ड, सो सी लैंग्वेज का अगला पोर्शन है व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम 2 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, एक्सप्लेन लॉजिकल एरर विद एग्जाम्पल, व्हाट इज अरिथमेटिक अंडरफ्लो,
डिफरेंशियल बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर, हाउ मल्टी लाइन कमिट्स आर इंसर्टेड इनटू सी प्रोग्राम, डिफाइन फॉर्मेट स्पेसिफायर, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड, आपने इसकी आउटपुट बतानी है। ये जो आउटपुट वाले हैं और एरर वाले हैं ना, इनमें से लाजमी दो सवाल हर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। सो आपने ट्राई करनी है, जो कि इस पेपर के अंदर ये दोनों दिए हुए हैं ना, इनको अच्छे तरीके से कर लें ताकि आप लोग जो है इन सवाल को अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि तकरीबन एक या दो ही पूछे जाते हैं। बच्चों को ज़्यादा डराया गया होता है कि भाई पता नहीं पेपर के अंदर कहाँ कहाँ से क्या क्या सिलसिलेकार हो जाएगा, ठीक है। सो कुछ नहीं है, सिंपल जो चीज़ मैंने आपके साथ थोड़ी शेयर की हैं, इन्हीं में से इंशाल्लाह ताला और इसी हिसाब से आपका सारा पेपर आएगा। सो आगे बढ़ते हैं हम लोगों का, ये विजुअल बेसिक का पोर्शन है। ये ज़्यादा स्टूडेंट्स सी लैंग्वेज पढ़ी होती है तो आप विजुअल बेसिक वाला पोर्शन ही करने बैठ जाना, इसको नहीं करना आपने, ठीक है। ये बात याद रखनी है, सिर्फ ये अटैम्प्ट करना है ऊपर वाला। इसी तरह तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा है आप लोगों का, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डिफॉल्ट कीवर्ड इन स्विच स्टेटमेंट, डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर, फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग, इसके अंदर आप लोगों ने एरर बताना है कि इसके अंदर एरर क्या है, ठीक है। इसी तरीके से डिफाइन ब्रेक स्टेटमेंट, वट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसकी आप लोगों ने आउटपुट बतानी है कि इसकी आउटपुट जो है वो क्या बनती है। इसी तरीके से नेक्स्ट है ड्रा द फ्लो चार्ट ऑफ व्हाइल लूप, व्हाइल लूप का आपने फ्लो चार्ट लाजमी तौर पर कर लेना। जितने भी लूप्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से बहुत सारा चांस होता है कि लॉन्ग या शॉर्ट के अंदर लाजमी ये पूछता है। वट इज़ द फंक्शन ऑफ हेडर, हेडर का आप लोगों ने फंक्शन बताना है, हेडर का फंक्शन क्या होता है। नेम टू बिल्ट इन फंक्शन इन सी, सी लैंग्वेज के अंदर दो आप लोगों ने बिल्ट इन फंक्शन बताने हैं। इसी तरह अगला है डिफाइन बाइनरी स्ट्रीम, ठीक है, बाइनरी स्ट्रीम से बताना है आपने क्या मुराद है। इसी तरीके से विजुअल बेसिक का पोर्शन है, ये आपने नहीं किया होगा, अगर आपने किया तो इसको कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको नहीं करना आपने। इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं अब लॉन्ग सवालात की तरफ। लॉन्ग सवालात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग सवालात तीन करके आपको 24 नंबर मिल जाने हैं, शॉर्ट सवालात इतने सारे लिखने पड़ने हैं, दो आपको नंबर पड़ने हैं, सो नंबर आपको मिलेंगे। सो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि शॉर्ट सवालात पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, लॉन्ग सवालात पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप लोग क्योंकि नंबर जो है वो ज़्यादा मिल जाए। तो सबसे पहला जो डब्बा होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का, उसके अंदर दो सवाल पूछते हैं, ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 7 तक है, ठीक है, पिछला मतलब सी लैंग्वेज से पहले का जो पोर्शन है ना, इसे दो लॉन्ग सवाल आते हैं, उसमें से आपने एक करना होता है। जैसे एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल, व्हाट इज क्वेरी, एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ क्वेरी इन एमएस एक्सेस, इनमें से आपने एक करना है। आपने ये दोनों याद कर लेने, हो सकता है ये वाला पेपर में आ जाए, हो सकता है ये आ जाए, या दोनों आ जाए। सो इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन 2 है वो आएगा सी लैंग्वेज में से, इसमें तीन सवाल आपसे पूछे जाने हैं, आपने कोई इसमें से दो अटैम्प्ट करने हैं। सो जैसे पहला सवाल है ब्रीफली डिस्कस स्टेप वाइज अप्रोच टू राइट एंड एग्जीक्यूट सी लैंग्वेज प्रोग्राम, व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट बाय यूजिंग लूप, आपने कैसा प्रोग्राम लिखना जो कि ये आउटपुट जो है वो आप लोगों को स्क्रीन पर शो करें, ठीक है। ये नंबर के अंदर जो है वो आप लोगों ने ऐड करवाना है या मल्टीप्लाई करवा के, वो आप लोगों में डिपेंड करते हैं, इसका आंसर देख लीजिएगा। तो ये आप लोगों का था, ये विजुअल बेसिक के लॉन्ग सवाल आते हैं। तो ये आप लोगों का 12th क्लास कंप्यूटर साइंस का पेपर है था, आई होप आप लोगों ने इस पेपर को देख लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आप लोगों के साथ इसकी जो पेपर स्कीम है वो भी शेयर हो जाएगी कि कितने थोड़े चैप्टर करके आप लोग ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। बिकॉज ये देखिए मैंने 9th और 10th को सारी पेपर स्कीम के हिसाब से तैयारी कराई थी और माशाल्लाह उन बच्चों का पेपर इतना अच्छा हुआ था ना, इतना अच्छा हुआ था, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, ठीक है। सो पेपर स्कीम के हिसाब से तैयारी किया करें, आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सो यहाँ से लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें और यहाँ वीडियोज़ के अंदर आएंगे तो आप लोगों को पेपर स्कीम की वीडियोज मिल जाएगी, लेकिन यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दें और अल्लाह करे तमाम बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हो और अच्छा रिजल्ट आए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।